से भी सर आपने पर 100 रुपए का पुरस्कार आया है, बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। हे राजन जी महाराज, आपको हमें जो दान हम आपसे मांगने के लिए आए हैं जी, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आप अपने इस दिल को पत्थर का बना लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि दान में हम आपसे आपकी बहुत ही ज्यादा लाड प्यारी चीज को मांग लें। महाराज हाँ, आज से पहले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। जो हमने वचन दे दिए हैं हम अपने वचनों से हटना नहीं जानते महाराज, हमारी गर्दन भी अगर आप मांग लोगे उसके लिए भी हम मना नहीं करेंगे। आप मांगिए, क्या मांगना चाहते हो हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। सुन लीजिए राजन मेरी बात, सोच ले
सोड़ा चाहिए चाहिए इस मोर धज से, क्या चाहिए इस मोर धज से, भेद नहीं दिल का खोलिया, पत्थर की लकीर समझ लो तीन बटन पड़े। ऐसी परीक्षा लेना चाहते हो, आज से पहले बहुत साधु संत यहाँ आए, हाँ, भोजन के लिए उन्होंने हमें आदेश किया, हमने भोजन करवा दिया। आज पता नहीं आप मुझसे क्यों तीन वचन भरवा रहे हो, फिर तीन वचन भी मैंने भर लिए हैं महाराज, अब तो मुझे आदेश दीजिए क्या करना पड़ेगा, किस तरह का भोजन आप करना चाहते हो। आपने तीन वचन भर लिए हैं राजा जी महाराज, और उन तीन वचनों में, हाँ, एक एक वचन में आपको खोल करके बताऊंगा, मेरे एक एक वचन को आपको निभाना होगा राजा। बिल्कुल कोशिश करूंगा महाराज, बताइए जी मेरी बात। इकलौता मेरा बेटा है महाराज, कैसे ये राजपाट आगे चलेगा, मेरे तो और कोई संतान नहीं है महाराज, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, इतनी आपकी सेवा में रहता हूँ महाराज, इस तरह का दंड मुझे मत दीजिए महाराज। अभी तो कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, आज जब अपने ऊपर आन बनी है तो वादे से मुकरने की कोशिश कर रहे हो राजा। महाराज ये इतना बड़ा राजपाट है, इतना माल खजाना यहाँ है, आपके शेर की बात नहीं, शेर भूखा है, एक से एक बढ़िया जानवर मैं कटवा करके डलवा दूंगा महाराज, मेरा इकलौता बेटा है, इस पर थोड़ा रहम कीजिए, मैं कुछ विनती करना चाहता हूँ। ये हमारा शेर किसी पशु पखेरु का मांस नहीं, बल्कि आपके इकलौते बेटे धीर ध्वज के मांस से भोजन करेगा। सुनिए महाराज मैं कुछ विनती करना चाहता हूँ। हाँ, राजा हाँ।
रणजीत ठेकेदार जी, उनकी तरफ से भी इस रागनी पर भाई 100 रुपए का पुरस्कार आया है। बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद महाराज। हाँ राजा, मैं विनती कर रहा हूँ, अगर मेरे बेटे को छोड़ करके इन 3 वचनों में अगर आप कुछ और मांग लेते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती महाराज। ये तो पहला वचन राजन आपके सामने रहा है, पहले ही वचन में आप अपने वचनों से मुकरने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन एक वचन और हमारा सुनना होगा, उसके बाद में और भी वचन है महाराज। एक और भी वचन आपके सामने है महाराज, जब अगर ये वचन मुझे पूरा करना पड़ेगा तो इस संसार का फिर चाहे कोई भी वचन आ जाए मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं तो ये विनती कर रहा था शायद मेरे बेटे के प्राण बच जाएंगे, अन्यथा जब मेरा बेटा ही संसार से चला जाएगा तो और कोई भी शर्त आप रखिए महाराज, ये राजा मूर्ध्वज छाती ठोक करके आपके वचन पूरे करेगा। सुन लीजिए, सुन लो राजा मेरी, जब जानूंगा जब जानूंगा जब जानू मेरा चातने धर्म का धुरंधर वीर, जब जानू मेरा चातने धर्म का धुरंधर वीर। क्या कह रहे हो महाराज? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त तुम अकेले इकलौते बेटे की फार करो, अच्छा, तुम्हारी आंखों से अगर नीर टपक गया तो मेरा भूखा सिर वापस चला जाएगा, तुम्हारे चिरे हुए बेटे का मांस ग्रहण नहीं करेगा महाराज। ओह महाराज, आज से पहले इतनी बड़ी परीक्षा मैंने नहीं किसी की देखी, इकलौता पुत्र है उसे दान करना पड़ेगा, अपने हाथों से चीरना पड़ेगा। बिल्कुल चीरना पड़ेगा, और चीरते समय आंसू आ गए तो बेटा भी चीर जाएगा, शेर भी भूखा रह जाएगा। हाँ बिल्कुल भूखा रह जाएगा महाराज। मैं अकेला बेटे का हकदार नहीं हूं, मेरी रानी विद्याधरनी है, एक बार मैं उनसे थोड़ी सी सलाह कर लूं, अवश्य ही मैं कोशिश करूंगा कि आपका ये शेर जिमाया जाए। सुनिए मैं कुछ कहना चाहिए जोरदार तालियां से आशीर्वाद दें।